कलयुगी मामा ने अपनी ही भांजी के साथ किया दुष्कर्म। ग्रामशाला में एक नाबालिग बच्ची के माता पिता ने अपने मामा के साथ रेप की शिकायत दर्ज की है। घटना शनिवार रात 8 बजे की है। बालिका ने बताया कि घटना के समय मैं और मेरे माता पिता भुआ के घर ग्राम बगदुन जिला बड़वानी थे। घटना के समय घर में मैं और मेरा भाई, हम दोनों ही घर में थे। मेरा भाई जल्दी सो गया था और मैं भी सोने की तैयारी कर रही थी कि अचानक मेरे मामा आए और मेरा मुंह दबाकर और ईंट के भट्टे के पीछे ले जाकर दुष्कर्म किया। यह मामला धामनोद थाना क्षेत्र का है। आरोपी उदय सिंह पिता राजाराम मामा पहले भी बलात्कार मामले में 9 साल सजा काटकर 2 महीने पूर्व ही आया था। एक नाबालिग बच्चे जिसकी उम्र करीब 12 साल है, उसने आकर उसके मामा के खिलाफ रिपोर्ट कराई है। उसके मामा के द्वारा उसके साथ गलत काम बलात्कार किया गया है, जिसमें से पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बलात्कार की धारा और ये पॉस्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। मैंने आरोपी अभी गिरफ्त में हो चुका है? आरोपी गिरफ्त में नहीं है। ये पूरी घटनाक्रम कब का है? ये कल रात को 8 बजे का घटनाक्रम है। जब ये घटना घटी तब घर पे कोई भी नहीं था। कहाँ के रहने वाली बालिका? ये ग्रामशाला खलगाट की रहने वाली। आपका पूरा नाम? सब इंस्पेक्टर हीना जोशी। ना और ये लड़की बाकी तो फिर ये फोन लगाया बाद में, करीब आधा घंटा बाद ही फोन लगाया लड़का और का, तो फिर सब दूर से लड़का आए, इनको ढूंढा तो नहीं मिला। फिर लड़की करीब रात को 12 बजे ढूंढ के लाया हमारे यहाँ के लड़के। ये कहाँ मिली लड़की? लड़की वहाँ मतलब ये पुराना ये था गिट्टी पलर वहाँ पे उधर नीचे गड्ढा में। तो मुसीबत के ले गए? हाँ मुसीबत के ले गए। पहले भी आपके साले किसी मामले में जेल काट चुके हैं ऐसा कुछ है क्या? हाँ पहले गए थे ना ये। कहाँ पे? ये बलात्कार के केस में, सिंधवा वाला केस में अभी 2 महीने पहले छूट के आया था। कितने साल की सजा काटी? ये